Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप अपनी जर्नी कैसे बताओगे दो लाइन में? मजा आ गया मुझे, दोबारा दीजिए। हमने ये भी देखा कि आप आउट हाउस में गए थे, तो आउट हाउस में आप बहुत एक्टिव थे कि आप जाओगे फिर से, एक अच्छा धमाकेदार एंट्री होगा, पर इतना दिखा नहीं आपका एंट्री। सिर्फ स्टार्टिंग में था पर उसके बाद दिखा नहीं। मैं बताता हूँ, मैं वहाँ जैसे ही पहुँचा, मैंने सबसे पहले तो हर एक को ये चीज़ बता दी कि कहाँ पे वो रॉन्ग है, मैं जो देख रहा हूँ, और वो जो बाहर जा रहा है वो चीज़ आप लोगों को संभालनी पड़ेगी। जैसे गाली गलौज करना, एक दूसरे को टॉन्ट करना, दूसरे को फिंगर दिखाना, ये सब चीज़ें मैंने उनको समझाया, ये चीज़ें नहीं करो क्योंकि इन चीज़ों से आपका इम्प्रेशन खराब पड़ता है। और वही हुआ कि धीरे धीरे वो लोग छटते चले गए जिनको जिनको मैंने समझाया था। तो मैं यही चाहूँगा कि जो लोग भी वहाँ खेल रहे हैं अच्छी तरह खेलें, शिद्दत से खेलें और रिस्पेक्टफुली खेलें। ओके, हमने लास्ट फ्यू डेज देखा था कि आपने बोला था कि जसलीन मेरे वजह से आई है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैं जसलीन की वजह से, नहीं, आपने बोला था कि जसलीन तो मेरे वजह से आई है ना, तो वो दिखती नहीं, भी नहीं, नहीं। मैं जसलीन की वजह से आया, लेकिन मेरे आने से जसलीन को लाभ हुआ है। okay. फायदा हुआ उसको, आज आप उसके बारे में जानते हैं, मेरे बारे में पहले जानते थे। ओके, टास्क की बात करें तो आप टास्क में बहुत पीछे रहते थे, बहुत कम दिखते थे, तो आपने उसमें थोड़ा पीछे क्यों नहीं की? कुछ टास्क ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा फिजिकल होते थे, जैसे एकदम से भाग के और वो अंडा पकड़ना है, तो मैं जानता हूँ कि मैं भागूंगा तो ज़रूर, लेकिन वो जो शार्प भागने वाले हैं पहलवान लोग हैं, जैसे शिव है, वो ज़रूर जाकर पकड़ लेगा या दीपक पकड़ लेगा। तो मैं भी भागता था लेकिन अपने को बचा के भागता था। मैंने कोई भी टास्क छोड़ा नहीं, जैसे श्री छोड़ देते, हर टास्क मैंने खेला है लेकिन अपनी मर्यादा में खेला। तो सबसे शातिर गेम कौन खेल रहा है मेरे ख्याल से? शातिर सुरभि खेल रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत से खेलना, खूब दम लगा के खेलना, क्योंकि अब मैं तुमको वहाँ पे किसी तरह की सलाह देने वाला नहीं हूँ। तो 3 हफ्ते ही था बस, उसके बाद हम सिंगल हो गए थे, और सिंगल होने के बाद तुम्हें अपनी आवाज उठानी है और लोगों से लड़ना। तो आपकी जर्नी में सबसे ज्यादा साथ कौन दिया? मेरी जर्नी में सभी ने साथ दिया, केवी, क्योंकि केवी जब 4 साल का था तब से मैं उसे जानता हूँ, केवी ने भी हमको बहुत साथ दिया। दीपक भी बहुत साथ देता है, वो गाना गाता है, आगे हमारे पास बैठ जाता है, अपना संगीत सुनाता है। उसके साथ गुरुशी आई है, वो भी बड़ी प्यारी बच्ची है, हमारे साथ बैठ जाती है। तो ये सब लोग हैं जिनका मैंने साथ बहुत इंजॉय किया। ओके, फाइनली जाते जाते नो सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपको अभी तक सपोर्ट किया है और घर में रखा? सब व्यूअर्स को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मेरा संगीत सुना था, अब आपने मुझे बिग बॉस में देखा। आप में से थोड़े लोगों ने मुझे पसंद किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिग बॉस में मेरे जैसा आदमी अगर 6 हफ्ते टिक सकता है तो बहुत है, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।